दोस्तों आप सभी का स्वागत है मौसम विभाग यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो। दोस्तों आज हम आपके लिए मौसम विभाग की पल पल की अपडेट आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों मौसम विभाग द्वारा बहुत ही बड़ी चेतावनी यहां पे जारी कर दी गई है। दोस्तों मौसम विभाग द्वारा अधिकांश राज्यों के अंतर्गत भारी मात्रा में बारिश और ओलावृष्टि को लेके हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कहां कहां पे बारिश हो चुकी है और किन किन राज्यों में किन किन जिलों में भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे वेदर रिपोर्ट के अंतर्गत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 26 और 27 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र के में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिमी भारत में बुधवार देर रात से अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ औसत तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच देश में बेमौसम बारिश भी एक मुसीबत बनके सामने आ रही है। बुधवार को उत्तर भारत और मध्य भारत के कई शहरों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के साथ साथ आंधियां भी चली। पूर्वानुमान की माने तो अभी मौसम और बिगड़ सकता है। ताजा अनुमान के अनुसार 26 और 27 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा हम बात करें तो मौसम विभाग की क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली NCR क्षेत्र पिछले 24 घंटों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है, जिसके कारण मैनेजर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बुधवार रात से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की आशंका संभावना यहां पे जताई गई है। उन्होंने बताया कि दूसरे पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है गुरुवार को शाम से देखने को प्रारंभ होगा। इसके कारण उत्तर प्रदेश में के साथ साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली NCR और उत्तर पश्चिमी इलाकों में रात को बारिश और तूफानी हवाओं का दौर शुरू होगा, जो कि शुक्रवार को धूल भरी आंधी के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ का जो सर्वाधिक असर है मौसम के मिजाज में बदलाव के कारण सामान्य औसत तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट के रूप में दिखने का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो इसी दौरान जो है शुक्रवार को दिल्ली और दिल्ली के सीमावर्ती हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां और ओलावृष्टि की संभावना यहां पे बताई गई है। वहीं उत्तराखंड में 27 मार्च को बर्फबारी एवं बारिश की संभावना जताई गई है। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है देश के पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ने के कारण दिल्ली सहित उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में गिरावट आने के साथ ही टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप 30 मार्च तक इन इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद हम राजस्थान के अंतर्गत मौसम विभाग की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत दैनिक भास्कर की ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से मौसम विभाग की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मंडवा में ओलों की मार से किसानों की फसल जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। जयपुर में पहले बिजलियां कड़की, उसके बाद आंधी के बाद आई झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि। आप यहां पे इस इमेज के अंतर्गत आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भारी मात्रा में यहां पे ओलावृष्टि हो पाई है, जिसके कारण किसानों की फसलें जो है पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं झुंझुनू के मंडवा में एकत्रित किए गए ओलों की तस्वीर है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भारी मात्रा में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश भी हो पाई है। अब गुरुवार को झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, अजमेर सहित जयपुर, दौसा और कोटा के सहित 20 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा,
कोटा समेत 20 जिलों में भारी मात्रा में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी यहां पे मौसम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। मांडवा और उसके आसपास के इलाकों में जमकर ओले गिरे, जिसके कारण करीब 70% किसानों की जो रवि की फसल है वो खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किसानों के सामने बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हम बात करें तो जयपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। प्रदेश में बुधवार को एक बार फिर मौसम जो है पलट चुका है, फिर से मौसम जो है अपनी उल्टी करवट ले चुका है और तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। जयपुर सहित कई स्थानों पर भारी मात्रा में बारिश देखने को मिली। जयपुर में शाम को करीब 5 बजे बिजली कड़कने के साथ ही कुछ ही मिनटों बाद आंधी आने के बाद भारी मात्रा में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक बारिश हुई और झुंझुनू के आसपास के इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की पकी पकाई फसल जो है इन ओलों की भेंट चढ़ चुकी है, जिसके कारण किसानों के सामने बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। सभी किसान जो है अपनी बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके कई इलाकों में ओले भी गिरे, इस दौरान तेज हवाएं भी चली, बारिश के कई स्थानों पर पानी भर चुका है, जिसके कारण आवागमन में भी काफी ज्यादा मुसीबत हो चुकी है। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही है, इसलिए सड़कों पर उन्हें आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बारिश से किसान जो है काफी ज्यादा मायूस हो चुके हैं, क्योंकि किसानों के खेतों में गेहूं, चने और जौ की फसल जो है पककर तैयार है, जिसके कारण गेहूं, जौ, चने और सरसों में काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान देखने को मिला है। जयपुर शहर में शाम 5 बजे करीब 20 मिनट तेज बारिश हुई, इसी दौरान तेज हवाएं भी चली, जिसके कारण वैशाली नगर सहित कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इससे करीब 20 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रही और डिस्कॉम प्रबंधन ने मानसरोवर, वैशाली नगर और जोटवाड़ा मालवे नगर सी स्कीम सहित कुछ इलाकों में एहतियात बिजली सप्लाई रोक दी गई। दौसा जिले में भी बूंदाबांदी देखने को मिली। गुरुवार को यहां ओलावृष्टि को लेके हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के इन सभी जिलों के अंतर्गत गुरुवार और शुक्रवार को भारी मात्रा में ओलावृष्टि को लेके मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और हाई अलर्ट यहां पे जारी कर दिया है। तो हम आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा, झालवाड़ा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सहित प्रतापगढ़, राजसमंद और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर सहित जोधपुर में भारी मात्रा में ओलावृष्टि को लेके चेतावनी यहां पे जारी की है। तो दोस्तों, आप राजस्थान के जिस भी क्षेत्र से हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट में जाके अपने गांव का नाम जरूर बताएं, ताकि वहां की मौसम की अपडेट मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे जो है जयपुर में बड़ी चौपट में बारिश का जो पानी है पूरी तरीके से जमा हो चुका है, जिसके कारण सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो मंडवा के पास खेत में नष्ट हुई फसल की तस्वीर आप यहां पे देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पत्ते जो है झड़ चुके हैं ओलावृष्टि और बारिश के कारण सड़कों पर। जयपुर के अंतर्गत हम बात करें तो परकोटा में आंधी से टूटकर सड़कों पर पत्तियां जो है किस तरीके से भीग चुकी है, आप यहाँ पे इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर में कितनी भारी मात्रा में बारिश देखने को मिली। तो दोस्तों, झुंझुनू के मंडवा में आप देख सकते हैं किस तरीके से रवि की फसल जो है पूरी तरीके से जो पककर तैयार हो चुकी थी, कुछ ही दिनों बाद कटाई का कार्य शुरू होने वाला था, जो ओलों और भारी बारिश की चपेट में चढ़ चुकी है पूरी फसल। आप यहां पे देख सकते हैं गेहूं की जो ये फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, यानी कि किसानों की जो 6 महीने की मेहनत थी जो पूरी तरीके से यहां पे कुदरत के भेंट चढ़ चुकी है। तो दोस्तों, यहां पे गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि किसानों को पूरी तरीके से यहाँ पे मुआवजा दे, क्योंकि महामारी के बाद यहाँ पे मौसम की मार भी किसान, गरीब किसान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, ये थी मौसम विभाग को लेके बड़ी अपडेट जो मैंने आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन किया। तो दोस्तों, अगर आप जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में भी बारिश या ओलावृष्टि के कारण फसल जो है बर्बाद हो पाई है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और
अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि मैं वहां के किसानों के बारे में आपको अपडेट करा सकूं कि गवर्नमेंट द्वारा फसल का मुआवजा जो है कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, मौसम विभाग की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार से एक और मौसम विभाग की नई ताजा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए किसान यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सिंगों में।